लागू करो, एसआरओ चोंड को लागू करो, पेंडिंग वेज रिलीज करो, पेंडिंग वेज रिलीज करो, बुई बंद जस्टिस, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज तो हमें गए, आवाज तो हमें गए, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मेरा नाम जयपाल शर्मा है। आज 428 दिन से हम लगातार एजिटेशन पे हैं इरिगेशन कॉम्प्लेक्स में। हमें बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि आज तक हमारी जो है सुनवाई इस गवर्नमेंट ने नहीं की है, तो हमारी जो डेली वेजरों की स्थिति है बहुत ही निराशा बरी है। हम इस एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी आशा वरी नज़रों से देख रहे थे कि ये गवर्नमेंट जो है एलजी के प्रशासन में चल रही है तो हमारा कुछ ना कुछ इसमें हो जाएगा, क्योंकि एलजी प्रशासन में जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो काम नहीं होते हैं वो एलजी प्रशासन में हो जाते हैं, वो कहीं रुकते नहीं। लेकिन बड़े निराशा भरी स्थिति से हम कहना चाहते हैं कि हमारी स्थिति जस की तस है, हमारे मसलों को कोई भी देख नहीं रहा। क्या हम यहाँ हिंदुस्तान के वासी नहीं, J&K के शहरी नहीं? स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है J&K को, हर तरह से पुल, नदियाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्थिति है वो वैसी की वैसी है। 9000 आज की डेट में जो डेली वेजर ले रहा है, क्या आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी में वो रह पाएगा? स्मार्ट सिटी में रहने के लिए उसको 9000 क्या सफिशेंट है? 9000 से उसके खर्चे चल पाएंगे? अगर स्मार्ट बनाना है जनाब तो लोगों को भी स्मार्ट बनाइए, मुलाजमों को भी स्मार्ट बनाइए, उसकी वजह से आपके जो शहर की रौनक जो है स्मार्ट दिखेगी। ना कि आप पुल बनाओगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाओगे, उससे खाली स्मार्टनेस होगी। स्मार्टनेस होगी है इंसानों से, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट चलेंगे। मैन पावर नहीं होगी तो स्मार्ट प्रोजेक्ट क्या करेंगे? मैन पावर को सशक्त करिए, तभी यहाँ पे स्मार्ट लोग बनेंगे, स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट जम्मू J&K बनेगा। इस तरह की आप अगर नीति अपनाते हैं तो हमारा भी उसमें, हमें भी रिलीफ मिलेगा। अगर इसको छोड़कर आप खाली ऊपर से ही घुमाओगे कि ये पुल बनाए, सड़कें बनाइए, तो फिर आम आदमी के जो मसले हैं वो कहाँ टच कर पाओगे आप? तो उसमें कहाँ सशक्तिकरण, कहाँ स्मार्ट दिखेगा कोई? तो ये थोड़ी ना बात है फिर दिखाने के लिए कुछ और तो करने के लिए कुछ और, हाथी के दांत जैसे बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति मत पैदा करिए जिसकी वजह से हमें रोडों पर निकलना पड़े। हमारे लोग आप लाठियों से रोक सकोगे वो ऐसा कदाचित नहीं होने वाला। 61000 जब निकलेंगे ना तो रोक पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कृपया आप इस पर जल्द से जल्द थोड़े दिनों में संज्ञान लीजिए, नहीं तो ये जन सैलाब जो 61000 का वो बाहर ही निकलेगा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। शुक्रिया।